जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके बीच में ऐसा कंसेप्ट लेकर आए हैं जो आपको हमेशा किसी भी एग्जाम में हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा। यह कंसेप्ट फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। यह कंसेप्ट न केवल प्लस वन में बल्कि कॉम्पिटिशन एग्जाम के हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है। आप किसी फील्ड में जाकर देखिए, आपको यह न्यूमेरिकल यह कंसेप्ट हमेशा आएगा। और वो कंसेप्ट है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इनिशियल स्टेज में सिग्निफिकेंट फिगर के जब भी न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं, विद्यार्थियों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इसका रिजल्ट क्या लिखें। हालांकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन हर बच्चे को आता है, लेकिन कंफ्यूजन इसके फाइनल रिजल्ट को देखकर होता है। इसका रियल फाइनल रिजल्ट क्या हो, इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी कन्फ्यूज रहते हैं। आज का हमारा लेक्चर सुनिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस दो लेक्चर जो मैंने लिए हैं आपके, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के नियम सिखाए हैं, उसको रिमाइंड कर लीजिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते समय जो रिजल्ट है उसमें डेसिमल के बाद कम से कम अंक होने चाहिए। अगेन आई रिपीट, दो नंबर आपको दिए हुए हैं, एक में डेसिमल के बाद 3 अंक है, एक में डेसिमल के बाद 4 अंक है। तो आंसर में डेसिमल के बाद कम से कम अंक होना चाहिए, मतलब अगर 3 और 4 है तो 3 अंक होने चाहिए। जैसे 3.02 2.1, इसका हमने ऐड किया तो यह रिजल्ट आ गया। तो डेसिमल के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो कम से कम अंक होना चाहिए, मतलब 1 अंक होना चाहिए, दैट इज 5.1। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया है, आप देख सकते हैं। यही काम सब्ट्रैक्शन करते समय किया जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस इस बात का याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद जो कम से कम अंक है वही आपको लिखने हैं, जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। कैसे, जैसे मान लीजिए 2.00 1.0 की हमने मल्टीप्लाई की तो ये हमारा नंबर आ गया। इसमें टोटल फिगर 3 है, इसमें टोटल फिगर 2 है, तो आंसर में कम से कम फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो यहाँ 2.0 है, ठीक है जी। तो आप बस इतना याद रखें कि एडिशन करते समय, सब्ट्रैक्शन करते समय मिनिमम डेसिमल के बाद अंक होने चाहिए, और मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब मैं आपको ऐसा न्यूमेरिकल के करवाता हूँ जिसमें मल्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी से डिवीजन सब तरह के आते हैं, और उनको कैसे सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे 2.003 3.0756 2.9 1.5, कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल आ गया, कुछ भी आ सकता है, मैं एक सिंपल न्यूमेरिकल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया दोस्तों, कह दिया सोल्व करो। ये तो आप बोर्डमास के नियम के अनुसार जानते हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, तो ब्रैकेट वाले नंबर को हम पहले सोल्व करेंगे, सिंपल। ब्रैकेट में ये नंबर है तो पहले इसको सोल्व किया जाएगा, पहले हम एडिशन करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका फिर सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, है ना, ये बात तो क्लियर है आपको। तो सबसे पहले एडिशन करते हैं, 2.003 3.0756, आप इसे ऊपर लिखे इसे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आप सिंपल ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा 6 8 7 0 और 2 और 3 5, ओके। प्रॉब्लम यहां तक कुछ नहीं आती, मेन बात है आंसर क्या होगा इसका अगर हम जोड़ेंगे। तो मैंने भी आपको सिखाया कि डेसिमल के बाद कम से कम अंक होने चाहिए, यहाँ डेसिमल के बाद कितने अंक है 3, यहाँ डेसिमल के बाद कितने अंक है 4, आंसर में कम से कम अंक होना चाहिए तो कितने होने चाहिए 3, तो यहाँ पे 3 ही अंक होने चाहिए, मतलब इस 6 को हमें राउंडिंग ऑफ करना होगा।
राउंडिंग ऑफ का नियम भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, पांच से कम हो तो एजिटिज रहेगा, पांच से ज्यादा हो एक बढ़ जाएगा, पांच हो तो इवन है तो एजिटिज रहेगा, ओड है तो एक बढ़ जाएगा, याद है सभी को। तो यहां पर ये पांच से ज्यादा है, ये पांच से ज्यादा है, पांच से ज्यादा है तो एक बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो क्या जाएगा यहाँ पे एट है तो यहां नाइन होगा। तो इन दोनों का रियल रिजल्ट ये आ गया, कन्फर्म, कोई समस्या? अगेन आई रिपीट, या तीन अंक थे या चार अंक थे डेसिमल के बाद, तो हमें कम से कम लेना था, कम से कम तीन अंक होंगे, इस पर राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, ये पांच से बड़ा है तो एक बढ़ जाएगा, तो आठ का हम कन्फर्म। अब जो रिजल्ट आया उसमें से 2.9 घटाना, दैट इज सो सिंपल, घटाना आपको आता ही है, 9712 2.179 आया, कन्फर्म। फिर वही नियम लगाइए, डेसिमल के बाद यहाँ कितने अंक है तीन, यहाँ कितने अंक है एक, तो आंसर में कम से कम अंक होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, डेसिमल के बाद कम से कम अंक कितने यहाँ पे एक, तो एक ही होना चाहिए, तो इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। अब ये सेवन है मतलब पांच से बड़ा है, पांच से बड़ा है तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या जाएगा 2.2, मतलब एक बढ़ गया 2.2 हो गया, सो सिंपल, कोई दिक्कत। अब इन पूरे ब्रैकेट का रिजल्ट 2.2 आ गया, ओके, तो 2.2 जो आया उसकी हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है, आप पहले बिना डेसिमल का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 को 5 से गुना करें 110 हो गया, 22 की 1 से गुना करें 22 हो गया, इनको जोड़ दें तो ये 330 हो गया, लेकिन यह 2.2 1.5 है तो टोटल 1 और 1 2, तो दो अंकों के बाद, दो अंकों से पहले डेसिमल लग जाएगा, या एक के बाद डेसिमल के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद एक अंक है तो एक और एक दो अंक हो गए, तो डेसिमल के बाद दो अंक होने चाहिए, ये नियम तो आपको पता ही है। तो हमें अब देखना है आंसर क्या होगा, यहाँ कितने फिगर है जी दो, यहाँ कितने फिगर है दो, मैंने आपको सिखाया है कि मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना हो उस समय आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर दो ही फिगर होना चाहिए, तो इसको हम राउंडिंग ऑफ करना हुआ हटाना पड़ेगा, जीरो है पांच से कम है कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसलिए आंसर क्या गया 3.3। तो इस पूरे क्वेश्चन का, इस पूरे सवाल का उत्तर आ गया, आंसर आ गया क्या 3.3। तो साथियों कोई भी न्यूमेरिकल हो आप बड़े आसानी से इस टेक्निक को अपनाकर सोल्व कर सकते हैं, मुझे विश्वास है कि बड़े ही गॉर्जियस तरीके से आपने हमारे इस लेक्चर को सुना समझा और बड़े ही गॉर्जियस तरीके से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स सम हो बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, और भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल बड़े आसानी से इसी टेक्निक से सोल्व हो सकते हैं, और भी आपकी प्रैक्टिस हम कराएंगे, और भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिलहाल आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, जय हिंद।